अपनी ऐसी जोरदार ऊर्जा पैदा करके हम सबको इतना और जागरूक कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज करीबन 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 140 सभाएं कंप्लीट हो गई, ये 6 संभाग मेरा कंप्लीट हो गया। और पूरे राजस्थान के अंदर घूमने के बाद थकावट महसूस हो रही थी, परंतु आप लोगों ने इतनी सारी संख्या में आके इतना प्यार उड़ेल के एकदम उस थकान को खत्म कर दिया है। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखो दौसा में मेरा बहुत आना जाना हुआ है, परंतु दौसा ने तो आज कमाल कर दिया। मैं इस दृश्य को कभी नहीं भूलूंगी भाइयों, कभी नहीं भूलूंगी जो आप लोगों ने साथ दिया। और इसकी एवज में आपको कहना चाहती हूँ कि दर्द इस बात का है कि इतने दिन घूमने के बाद मेरे को बार बार वही चीज निकल के आ रही है। दिन से दौरा करने के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा विशाल चीज नहीं निकली, जो निकली वो है सिर्फ इस प्रदेश की मूलभूत सुविधाएं इसकी जनता के पास नहीं पहुंच रही है। हमारी पूरी जनता 6 संभाग के अंदर, मैं कहती हूँ 7 संभाग के अंदर, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना डॉक्टर के, बिना रोजगार के, बिना टीचर के, बिना किसी भी चीज को, कोई भी स्मॉल छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं है वो कुछ भी उनको नहीं मिल रही है। पर आज मैं आप लोगों के बीच में यही कहने आई हूँ कि 53 साल निकल गए भाइयों, 63 वर्ष है लोकतंत्र के, जिसमें से 5 साल तो मेरे को दिए, 7 साल गरव सिंह जी को दिए, 53 साल आपने कांग्रेस को दिया। और कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगी ने जिस तरीके से हमको आज घर पे पहुंचा के रखा है, एक मिनट भी ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका देना ही नहीं चाहिए। ये मैं आप लोग का प्रति से कह रहा हूं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बनाया, 15 साल दिए उन लोगों ने, 15 साल के अंदर गुजरात दुनिया में छा गया, देश में छा गया। लोग यहाँ से जोर जोर से वहां जाना चाहते हैं, लोग पलायन करते हैं कि गुजरात में चलेंगे तो गुजरात के अंदर मूलभूत सुविधा भी मिल जाएगी, नौकरी का, रोजगार का तंत्र भी मिल जाएगा। उधर मध्य प्रदेश को देख लीजिए, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश छा गया है देश के पत्ते के ऊपर। और
की मुसीबत में आती है तो वहां कहीं ना कहीं जाकर उसको अटका देती है। अगर नौकरियों की प्रॉब्लम होती है तो उसको अटका देती, अगर आरक्षण की बात होती है तो उसको अटका देती। मैं खाली पूछती हूँ कि इसके साथ राजनीति क्यों हुई? क्योंकि राजनीति जो आपका ये जो विधान परिषद बनना था आपको याद है, इस विधान परिषद को तो ऊपर लेके कार्य सूची के अंदर उसको डलवा दिया। विधान परिषद तो राजनीतिक लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल काम है, उसमें हमारे लोग चले जाएंगे, उसमें राजनीति हो जाएगी। तो विधान परिषद को वहां ऊपर ले गए, उसको कार्य सूची के अंदर डाल दिया, परंतु आरक्षण के बाद में आप सबको गुमराह कर करके रोज गिरा के रोज लड़ा के जाके टॉट के अंदर अटका के छोड़ दिया। और 5 साल पूरे हो गए भाइयों, ये है कांग्रेस। और इस कांग्रेस को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। मैंने हमेशा सब लोगों को कह दिया और पहले भी कहा था आप लोगों को कि हमने 5% और 14% दिया है, इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है और सबका भला होने वाला है। सब लोग मिलके साथ राजस्थान के अंदर जहां तक हम लोग दे सकते हैं, इस एक रोटी को मिल बांट के खाएं, सब लोगों के लिए चले है। ये राजस्थान बड़ा प्रदेश है और राजस्थान के परिवार के लिए हम लोग सबको आगे बढ़ के चलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इस तरीके से पीछे के दरवाजे से जाना, आगे के दरवाजे से आना, कहीं चिट्ठी भेजना, कहीं कुछ करना, ये हमारे उसमें नहीं है। मैं चुनाव के लिए या वोट के लिए गलत आप लोगों को कभी नहीं कहूंगी, मैंने पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करूंगी। परंतु आपके प्रेम के पीछे पागल हूं और उस प्रेम के पीछे जितना दौड़ना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए आप कहे हम पागल हो उनके पीछे। आप पार देते रहोगे, हम दौड़ते रहेंगे, हमें सब पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, परंतु हमें है जरूरत आपके प्यार की। क्या बोलो, क्या हम लोग सब प्यार से मिलके क्या इस नए राजस्थान को बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? और क्या आपके मन में है, क्या आप चाहते हो कि इस दौसा जिले के अंदर कुछ चेंज अपने को दिखाई दे? चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो क्या मिलके साथ चलने को तैयार हो? क्या आएगी कांग्रेस आपको फिर से लड़ाएगी? फिर गुर्जर अमीले, फिर राजपूत जाट, फिर हिंदू मुसलमान। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ रुकना है और वो कह दीजिए कि आपको सब चले जाइए, हम मिलके राजस्थान को बनाएंगे। और मैं आपको ये कह रही हूँ, आपके विकास को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है और आप लोग चल के ऐसा राजस्थान बनाओगे कि नंबर एक प्रदेश पूरे देश के अंदर ये राजस्थान बन के रहेगा। हिम्मत है? मैं दोसा वालों से पूछ रही हूँ, अब दोसा वालों में हिम्मत नहीं तो किसमें हिम्मत होगी? दोसा वालों में हिम्मत है और तैयार हो, क्या बदलाव चाहते हो? चाहते हो तो जिन लोगों ने हमारा इस तरीके से हार किया है, क्या वो तो उसको उसी के उठा के पटकने के तैयारी में बैठे हो? ये सब आपके पास सौगाते आ रही है, ये सब आप ही का पैसा है, ले लो, खूब रखो, क्योंकि आप भी रखोगे तो ये चला जाएगा इस बैंक में। आप ये सब कुछ ले लो, परंतु जब मौका आएगा तो उस समय अपने लिए काम करो, ये याद रख के तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी जोरदार ऐसा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग सब मिलके साथ चले, हम सब मिलके साथ चले और एक सुंदर समृद्ध खुशहाल राजस्थान बनाने की शुरुआत करें। यही मैं आप लोगों के बीच में कहने आई हूँ, मेरा बहुत सारा आप लोगों को प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत जीत के आने का बात है।